नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। मैं मोहम्मद अहमद। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ये बताइए कि यहाँ क्या किस तरह का प्रोग्राम है और क्या आयोजन है ये देखिए। हम जो है, हमारा नाम पहले का पैदाइशी नाम बदरुद्दीन, और फिर हम जब तरीक हुए, फकीर हुए, सिलसिले में गए, तो मेरा सिलसिला हुआ लाल शाहबाज कलंदर शाहबादी। शाहबादी घराना आया साबिर पिया के घराने, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के घराने से। उस घराने से हमारा सिलसिला, तो हम तरीक हुए जाके साबिर पिया के दर पे, कलियर शरीफ हरिद्वार। हाँ, कलियर शरीफ हरिद्वार में हम जाके तरीक के फकीर हुए। वहाँ पे तरीक बनाया जाता है, हम लोगों को जैसे जो तरीका है उस तरीके से। मेरे दादा नौबत अली शाह, सर गुरु जलाली मलंग, वो हिंदुस्तान के सर गुरु सितारे हिंद, दादा गौहर अली शाह अजमेर शरीफ, उस सिलसिले से हमारा सिलसिला चला आ रहा है। उसी सिलसिले से हम भी फकीर हैं। मेरे दादा बना के गए। मेरे मुर्शद चांद शाह अली बेंगलोर, चिक बेंगलोर, अभी भी हयात में है। वो आते हैं अभी कलियर शरीफ अजमेर, हर जगह पे मुलाकात है, कौन से बातचीत है। तो मैं रहने वाला पड़ाव का, और ये चौक मेरे पीर साहब मुर्शद मेरे बना के गए। यहाँ पे बनारस में मैं गया, वहाँ से हरिद्वार से उनको लेके आया, मैं यहाँ जलाली चौक बनाया फ़कीरों के बैठने उठने के लिए। इसलिए कि फ़कीर कब्रस्तान पे और यहाँ वहाँ झोपड़ी अपना ऐसे ही चौक बना के ज़िंदगी गुजर बसर करता है। तो हम फ़कीर बनारस के थे, तो यहाँ मोहल्ले वालों का हमको सहयोग मिला, उन लोगों का साथ मिला कर बाबा हम लोगों को यहाँ बैठाओ उठाओ। तो हम अपना चौक बना लिए, लंगर पानी खाना नज़र नियाज जुमरात को बाबा का उर्स मुबारक हम लोग करते हैं। इस सिलसिले से हमको यहाँ बुलाया गया कि बाबा आप सब देखिए और करिए इसको। तो हम लोग कर रहे थे, कल पूरा किया गया बाबा का जो चुनाकारी सजावट वजावट का काम कल हुआ। आज इनका उर्स पहला दिन साल 1 जनवरी। ये कै दिन होता है? होता तो 3 दिन है जी, मगर हम लोगों को 3 दिन का परमिशन नहीं मिला जी, इसलिए हम लोग आज सिर्फ मना रहे हैं। आज ये हम लोगों का उर्स है। आज लंगर पानी सब हो चुका, लंगर हम लोगों ने बांट लिया। अब थोड़ा सा महफिल, ये हमारे पीर साहब लोग आए हुए हैं, कव्वाल। महफिल में क्या होगा? कव्वाली होगी, नात या मुशायरा होगा, नात होगा। कव्वाली नहीं होगी, नात होगा, पढ़ाई होगी, हम लोग रहेंगे ऐसे ही। कव्वाली का प्रोग्राम शाही महफिल जो होता है हम लोगों का, शाही महफिल होगी, स्टेज प्रोग्राम कोई नहीं जी, जी। हाँ, बस जो पीर लोग हैं, जो मोहल्ले के हमारे लोग हैं, ये सब बच्चे, ये लोग बैठेंगे, थोड़ा कव्वाली वाली सुनेंगे। एक डेढ़ कितने बजे तक चलेगी? 1-1.5-2 बजे का ज़्यादा ज़्यादा तक, बस अजान से पहले हम लोगों का ख़त्म हो जाता, कितना बड़ा भी प्रोग्राम रहे। और यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है? हाँ हाँ, हो गया सब प्रोग्राम, आपका शाम से चल रहा है। हाँ, सब संपन्न हो गया, हमारा खाना भी आए होंगे। हाँ आए, और खाए भी कुछ जा चुके, यही जो है बस यही बचे हुए हैं, थोड़ा मेहमान हमारे 150 जो भी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी आई हुई थी, आप बाबा से क्या आप लोग कामना, जैसे आज यहाँ देखिए हम लोगों का जो ये 21 चढ़ा है, ये 21 लग गया, ये 21 हम लोगों का मौला मुश्किल कुशा अली का माना जाता है। 21 तारीख उनका विशाल की तारीख 21 थी, अब लग गया हम लोगों का 21। हम लोगों के लिए ये शुभ साल है, ये साल हम लोग बाबा से कामना करते, मालिक से, परवरदिगार से, कि ये अच्छा जाए और सारी बीमारी हमारे मुल्क से, इंडिया से, हमारे देश से, हमारे भारत से ख़त्म हो, और सारे सरकार जो हमारी इतने परेशान है सब आराम से रहें, देश चलाएं। हम लोग सबसे खुशी हैं, किसी से कोई नाराज़गी नहीं और कोई हम लोग को तकलीफ भी नहीं है। भाई मेरे चल रहा है मेरा सरकार अच्छी तरह से, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, बस चलता ही रहे ऐसे ही हमारा देश, और सब खुशहाल है, यही कामना है हम लोगों का जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। किस तरह कार्यक्रम? क्या कार्यक्रम है आज, किस तरह का उर्स? ये बाबा का सालाना उर्स होता है जाने माशा रहमतुल्लाह अलैह का। मैं जब से होश संवारा तब से हमारे बाप दादा परदादा करते चले आ रहे थे, मेरी उम्र 50 साल है। उसके बाद जब हमने होश संवारा तो उसके बाद अब हम करते हैं इसको। आप यहाँ के मुतवल्ली हैं जी, किस तरह से यहाँ उर्स मनाया जाता है और क्या क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पर? यहाँ चादर गागर उठता है और इसको घुमाया भी जाता है चादर को, उसके बाद यहाँ ले जाकर के पेश किया जाता है। लंगर लंगर का प्रोग्राम होता है, और
कव्वाली कुरान खानी होती है और कव्वाली होती है। किस तरह की कव्वाली? सूफी सूफी कव्वाली होती है, शाही महफिल। कितने साल में होती रही है? कुरान खानी होती है। ये कितनी पुरानी मज़ार है ये, इसके बारे में कुछ हम बताएं आप। ये तो हम जब से हो समारा तब से उसको देखते चले हैं, बाप दादा पहले से करते चले आ रहे हैं, लगभग आज़ादी के पहले से ये है। कार्यक्रम कितने वर्षों से हो रहा है? कार्यक्रम तो कम से कम 100 वर्ष से पहले से होता होगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग जब से हो समारा 50 साल की उम्र है तब से उन लोग करते चले आ रहे थे, बचपने में भी देखा गया। प्रसाद उसाद का वितरण भी होता है? जी प्रसाद ही बंटता है। अच्छा। प्रसाद बनता है। एक दिवसीय कार्यक्रम है या कार्यक्रम 2-3 दिन चलता है? ये मेरा परमिशन जी 3 दिन का बनता है, लेकिन अब की बारी कोरोना से 1 दिन का परमिशन हमको दिया गया, ये 3 दिन चलता है प्रोग्राम। प्रशासन द्वारा क्या गाइडलाइन दिया गया है कोरोना काल को देखते हुए? वो कहें कि ऐसा है कि हम आप प्रोग्राम करिए, परमिशन आपका नहीं है लेकिन कोई जाएगा नहीं, आप प्रोग्राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रशासन के सभी के यहाँ पहुँच गया।